तो फिलहाल दोस्तों हम अभी जा रहे हैं अटाला मस्जिद के लिए। दोस्तों यहाँ से अटाला मस्जिद थोड़ी दूर पे है और आज दोस्तों हम घूमने वाले हैं अटाला मस्जिद को और पूरी तरीके से दोस्तों अच्छे तरीके से हम अटाला मस्जिद को आज एक्सप्लोर करेंगे और अंदर से बाहर से दोस्तों व्यू वगैरह सारा देखेंगे और उसके बारे में दोस्तों अगर हो सकता है कुछ बातें वगैरह भी करेंगे। अगर कोई मिलता है तो दोस्तों उससे हम पूछे पाछेंगे भी अटाला मस्जिद के बारे में, कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं अटाला मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। इधर से अभी मैंने एक बंदे से पूछा तो बोला थोड़ा ही दूर पे है अटाला मस्जिद, तो देखते हैं दोस्तों कितनी दूर पे है। तो आज हम चलते हैं दोस्तों अटाला मस्जिद घूम लेते हैं और अटाला मस्जिद दोस्तों हम तो घूमेंगे ही दोस्तों और हम आपको भी घुमाते हैं और दिखाते हैं अटाला मस्जिद के बारे में दोस्तों। और अटाला मस्जिद के आसपास कुछ अगर फेमस चीज़ें होंगी खाने पीने की तो दोस्तों हम उसका भी टेस्ट लेंगे और आपको भी टेस्ट करवाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अटाला मस्जिद की तरफ और हमारे कुछ ही पास में है दोस्तों अटाला मस्जिद और हम अटाला मस्जिद के दोस्तों एकदम करीब में हैं। तो हम दोस्तों आपको चलते हैं अटाला मस्जिद और मिलते हैं दोस्तों हम वहीं पे। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी जौनपुर की गलियों में घूम रहा हूँ और ये दोस्तों जौनपुर है। जौनपुर का कौन सा इलाका है दोस्तों? इधर लिखा है दोस्तों नियर अटाला मस्जिद, मतलब अटाला मस्जिद के आसपास में ही हैं हम। और यहीं दोस्तों थोड़ी दूर पे आपको लाल शाही किला वगैरह भी मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ी ही दूर के आसपास की दूरी में दोस्तों दोनों चीज़ें हैं, शाही किला भी है और आपको अटाला मस्जिद भी मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अटाला मस्जिद पे जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी अटाला मस्जिद में आया था तो यहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाने के लिए तो मना कर दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझे अलाउ किया है, लेकिन वो भी कहा है कि बस एज ए अपने लिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, मैं बस ऐसे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों अटाला मस्जिद के बारे में। दोस्तों हम बाहर बाद में बात करें। काफ़ी प्यारी मस्जिद है और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है दोस्तों। यहाँ पर जुमा वगैरह की नमाज़ होती है और पाँचों वक्त की भी नमाज़ होती है। तो काफ़ी प्यारा ये मस्जिद है दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है आप अगर यहाँ। फिलहाल दोस्तों मैं अभी इसी मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर दोस्तों मैं घूम रहा था। तो ये दोस्तों मस्जिद काफ़ी पुरानी है और तो दोस्तों ये मस्जिद 1408 ईस्वी में दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने दोस्तों ये मस्जिद बनवाई थी। और दोस्तों ये मस्जिद जो है काफ़ी प्यारी मस्जिद है दोस्तों और जौनपुर की काफ़ी फेमस मस्जिद है। आप दोस्तों यहाँ पर आके इस मस्जिद को घूम सकते हैं और विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ये अपना जो है जौनपुर में ये शाही किला के पास में पड़ता है दोस्तों और स्टेशन से करीबन 4-5 किलोमीटर दूरी पे होगा, आप आ सकते हैं जौनपुर जंक्शन वगैरह से। तो फिलहाल दोस्तों अटाला मस्जिद के अंदर फ़ोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो फिलहाल दोस्तों मैंने उनको प्रोटोकॉल को फॉलो किया, उनसे दोस्तों मैंने परमिशन लेके बस हल्का फुल्का वीडियो बनाया है वहाँ का। तो दोस्तों अटाला मस्जिद जो है दोस्तों वो काफ़ी प्यारी मस्जिद है दोस्तों और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। आप ये कहते हैं ना एक धरोहर है पुराने ज़माने का जो कि काफ़ी प्यारा लगता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों घूमने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जौनपुर का दोस्तों एक सबसे अच्छा और फेमस लोकेशन में से एक है दोस्तों। तो आप अगर आते हैं दोस्तों तो आप अटाला मस्जिद आके घूम सकते हैं और ये दोस्तों स्टेशन से करीबन 4-5 किलोमीटर पड़ेगा जो कि स्टेशन से दोस्तों आसानी से यहाँ पर आया जा सकता है। अगर आप जौनपुर में रहते हैं तो आपके लिए तो यहीं पर जुमा की नमाज़ होती है। तो हम लोग दोस्तों वैसे जौनपुर के रहने वाले तो हैं नहीं, हम लोग दूर से आते हैं। तो जितना भी हो सकता है दोस्तों मैंने अटाला मस्जिद को विजिट किया और घूमा टहरा और हो सकती है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैंने अभी क्योंकि हिस्ट्री दोस्तों मुझे पसंद है लेकिन उसके बारे में पता करना ये थोड़ा मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, अब आगे मिलते हैं दोस्तों अटाला मस्जिद के ऊपर बात करते हैं। जब दोस्तों आप अटाला मस्जिद के लिए घूमने आइए तो दोस्तों जस्ट उसके बगल में दोस्तों शाही किला है। तो आप शाही किला दोस्तों जाना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं शाही किला का आपको ये बाहर से दिखा देता हूँ व्यू वगैरह। ये है दोस्तों शाही किला, काफ़ी प्यारा सा है दोस्तों और आप मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों देख ही होंगे शाही किला के बारे में। तो दोस्तों आप उधर से जब निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 मीटर दूरी पर दोस्तों जो है आपका शाही किला पड़ जाता है। तो आप शाही किला भी दोस्तों घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा लोकेशन एक ये भी है शाही किला।
फिलहाल दोस्तों जौनपुर घूमना और भी आसान है क्योंकि दोस्तों सब आस ही पास ही है। किला भी पास में है, शाही किला भी पास में, शाही मस्जिद भी आपको पास ही मिल जाएगी और दोस्तों सब पास में ही आपको शाही पुल वगैरह भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सब आस ही पास में है तो आपको घूमने में काफ़ी आसानी होगी, तो आप आस पास दोस्तों आके यहाँ घूम सकते हैं। और जौनपुर दोस्तों मेरे हिसाब से एक दिन में तो आप पूरे जौनपुर को अच्छे से एक्सप्लोर कर जाएंगे, एक दिन इनफ है जौनपुर के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो तो जौनपुर एक दिन काफ़ी है, एक दिन में दोस्तों आप पूरा जौनपुर को घूम सकते हैं अच्छे से, वो भी पूरा विजुअली। तो दोस्तों फिलहाल अब शाही तो मैं शाही किला वगैरह दोस्तों घूम लिया हूँ दोस्तों, और ये अटाला मस्जिद में दोस्तों उन्होंने बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया फोटो और वीडियो के बारे में। तो दोस्तों मैंने जिद भी नहीं किया, मैं कहा हो सकता उनका कुछ भी प्रोटोकॉल वगैरह हो तो दोस्तों उसको फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे जो नियम वगैरह हो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वीडियो बनाने के दोस्तों आप चोरी से बनाओ तो अच्छा नहीं लगता ना, जहाँ पे सहमति ना हो। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ का वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी बनाया दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखा दिया। और आप दोस्तों आके यहाँ पे घूम सकते हैं, काफ़ी प्यारा सा मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा है, काफ़ी अच्छा सा है और घूमने में दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने काफ़ी कुछ जौनपुर में घूमा और अभी मेरे कुछ चीज़ें जो बची हैं दोस्तों वो कल मैं एक्सप्लोर करूँगा जौनपुर को और आऊँगा दोस्तों, यहाँ पे दरगाह वगैरह भी हैं। तो फिलहाल दोस्तों अब हम जौनपुर से आज दोस्तों यहाँ जाएंगे और घर को, और कल दोस्तों हम फिर से वापस आएंगे और किसी नए जगह से दोस्तों शुरुआत करेंगे बनाने की वीडियोस वगैरह। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं और आज का अटाला मस्जिद का दोस्तों क्योंकि पूरा अच्छे से मैं घूम नहीं पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। भैया जौनपुर में आए और कुल्हड़ वाली चाय ना पिए तो फिर आप क्या कहें भैया, कुल्हड़ की चाय ज़्यादातर यहीं मिलती है, काफ़ी फेमस है भैया कुल्हड़ की चाय।